एसपी रहे हैं, वो और ये दोनों जन मिलके इस तरह से तैयारी कराते हैं कि कई बच्चों को 10 में से 10 नंबर भी मिले हैं इंटरव्यू में, 8-9 तो कई लोगों को मिले, और उसी के कारण अपने ग्रुप का सबसे ज़्यादा चयन होता आ रहा है। इसका श्रेय सर को जाता है सबसे ज़्यादा। सर से मैंने कल रिक्वेस्ट किया कि सर सिलेबस के अनुसार आर्मी की तैयारी कोई नहीं कराता, कुछ कांस्टेबल की बैच में बिठा देते हैं, कुछ जेल प्रहरी की, कुछ एसआई के बैच में बैठा देते हैं, और उनके सिलेबस से तैयारी न होने के कारण कई बच्चे आर्मी के इतनी मेहनत करने के बाद सालों साल असफल हो जाते हैं रिटर्न में, तो इनको सिलेबस से तैयारी अगर करा दी जाए तो सर के मेरे रिक्वेस्ट पर सर आज यहाँ आए, बोले सर बिल्कुल सोचते हैं इस बारे में। सर की दो ब्रांच है, एक भंवर कुआं में और एक प्रेस कॉम्प्लेक्स LIG चौराहे पर होता है। तो LIG चौराहे पर जो कंटिन्यू जाना चाहते हैं वहाँ रहेंगे, और जो मंथली अगर जो भी जाना चाहते हैं कि हम मंथली 1 महीने 2 महीने मुझे पढ़ना है मात्र, उसके लिए भी भंवर कुआं के लिए है। तो सर थोड़ा सा गुड मॉर्निंग। इस बार थोड़े से नए चेहरे हैं, बहुत सारे आप लोगों ने, हाँ लगभग लगभग सभी नए हैं। पिछली बार तक क्या होता था, थोड़े से पहचान के लोग रहते थे, बट अच्छा है आप लोग नए हैं तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग रोज सुबह यहाँ आ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत निश्चिंत हैं कि हाँ ये हो जाएगा, और सर का सानिध्य है तो ये बात कोई बड़ी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। आपके बीच में से ही लोग निकले हैं और लगातार निकल रहे हैं। बस थोड़ा सा दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत जो है वो शरीर की मेहनत है, और शरीर आपका साथ दे रहा है, बहुत अच्छी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर भी कई बारी थक जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तब आपका मन काम करेगा, और जब मन काम करेगा तो शरीर कभी नहीं थकेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, गीता में भी लिखा है कि जो ऐसी बुद्धि है जिसने निश्चय कर लिया है उसी की जीत होती है। तो निश्चय बुद्धि विजयते, ये जो शब्द है ये गीता से आया है, और ये कहता है कि निश्चय अगर हमने कर लिया तो जीत हमारी ही और पक्की है, और निश्चय जो शब्द है वो छोटा मोटा शब्द नहीं है ना। तो निश्चय मन को काबू रखने से ही आएगा, और निश्चय कर लें और एक लक्ष्य बना लें, उस लक्ष्य पे हमेशा आगे बढ़ें, निश्चय से बढ़ें। बिना निश्चय के बढ़ेंगे तो बार बार भटकेंगे। दूसरी चीज, आज शुक्रवार है तो आज जितने भी लोग आपसे मिले उन सबको थैंक यू कहिएगा, शुक्रिया कहिएगा, आपको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। बिना बात के भी थैंक यू कहिएगा, कहिएगा उनसे कि आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू। अगर कोई नहीं है तो अपने आप से कहिएगा कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, थैंक यू। उस ईश्वर को कहिए कि थैंक यू। तो आज पूरे दिन आप इसी भाव में रहेंगे तो मुझे लगता है कि शाम तक आप देखेंगे कि आपका उत्साह जो है वो पहले से दुगना हो गया, और कल जब सुबह आप ग्राउंड में आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं दुगनी तिगनी मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। जहाँ तक आर्मी की बात है तो आज सर से बात हुई, कल भी सर से बात हुई थी, आज आया भी मैं इसीलिए कि आप लोगों का आर्मी का फिजिकल शायद आने वाला है, उसके बाद आप लोग रिटर्न की तैयारी करेंगे, तो तब तक हमारे पास पर्याप्त समय है कि आर्मी के रिटर्न का जो भी सिलेबस होता है उसको हम बेहतर तरीके से करें। क्योंकि हर बार ये हुआ है, जब भी सर ने ये कहा है कि हमें ऐसी कुछ चीज़ करनी है जिससे बच्चों का और आगे चीज़ें जो हैं उनके साथ बहुत अच्छी हो सकें, तो हर बार मैंने सर से थोड़ा थोड़ा समय लिया है ताकि मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं कि जो सर से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं उसको मैं पूरी तरह साथ दे सकूं सर का। तो थोड़ा सा समय है मेरे पास, और इस समय के कारण मैं आपसे ये अभी ये कह रहा हूँ कि हाँ हम लोग आर्मी का एक अच्छा बैच बनाएंगे, और आपको कम से कम ऐसी प्रिपरेशन कराएंगे जो आपको ये लगेगा कि नहीं हम यहाँ जाके जो है वो पछताए नहीं, जो हमें मिला वो अच्छा ही मिला और हमारे काम ही आया। तो इन सब चीज़ों के साथ आप लोग बहुत ढेर से ऐसे हैं, थैंक यू। चलिए खड़े हो जाइए।
एक एक स्टेप आगे कर। चलिए खड़े हो जाइए। जो कल आपके लड़का जो नहीं आया था, जो